वही आज एक प्रोग्राम है सीबीएसई का, जिसको कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बोलते हैं हम लोग, और ये अलग अलग एरियाज़ में कंडक्ट कराया जाता है फैकल्टी मेंबर्स के लिए जो क्लास 12 तक के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उन्हीं में एक प्रोग्राम है लाइफ स्किल्स का, तो वो एक दिन की वर्कशॉप आज मिल्टन पब्लिक स्कूल में थी, जिसमें मैं एज रिसोर्स पर्सन था सीबीएसई की तरफ से। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम देखें तो एक टीचर के दो हिस्से हैं, दो टास्क हैं, एक टीचिंग टास्क है और एक सोशल टास्क है। टीचिंग टास्क तो वो है जो हम टीचर परफॉर्म करते ही हैं, लेकिन जो सोशल टास्क है वो ये है कि भाई उसको एक इंसान कैसे बनाया जाए, वहाँ हम लैक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जो लाइफ स्किल्स की जो इनकी वर्कशॉप बेसिकली सीबीएसई की है, वो इसीलिए है कि इनको टीचिंग के साथ साथ जो लाइफ स्किल्स हैं वो सिखाई जाएं। और मैं समझता हूँ कि उसका जो सार है वो यही है कि विषय तो एक अलग चीज़ है, वो तो उसमें महारत हासिल कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो इंसान जो बने, ये सिखाने के लिए बेसिकली ये एक दिन की वर्कशॉप सीबीएसई ने कराई थी। और ये अलग 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 टाइम पे अलग अलग स्कूलों में सीबीएसई कराती रहती है। ये आगरा में दूसरा, मैं एज ए रिसोर्स पर्सन मैं सीबीएसई के आया था अभी कुछ दिनों पहले, यहाँ एक और स्कूल है वहाँ पर ये प्रोग्राम कंडक्ट कराया गया था। तो यही है कि लाइफ स्किल्स का ये जो इनका प्रोग्राम है बहुत एक अच्छे प्रोग्राम्स में से एक है, ख़ासतौर से टीचर्स को ये सिखाया जाता है इसमें जो सीबीएसई के स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, कि भाई कैसे स्टूडेंट्स में लाइफ स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करें, आप कैसे वो पढ़ाई के साथ साथ ये भी सीखें कि समाज का एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाता है और कैसे एक देश नागरिक बना जाता है।